ठीक है, है ना। सबसे पहले नाम होता है सदिश, बहुत ही आसान चैप्टर है, हर साल के मान के चलें कम से कम चार क्वेश्चन श्योरली देता है, ठीक है ना, कम से कम चार क्वेश्चन देके ही रहता है। अच्छा, दूसरी बात क्या, वेक्टर अपने आप में सबको बेसिक सबको पता है, वेक्टर एक ऐसी राशि है जिसका दिशा और परिमाण दोनों बताना संभव है ना, दोनों संभव है, लेकिन अपने आप में इतनी बात कहना फिजिक्स के अंदर भी गलत मान लिया जाता है आजकल तो, राइट है ना, क्यों, क्योंकि फिजिक्स वालों ने बताया कि करंट नाम की एक ऐसी वस्तु है जिसका दिशा और परिमाण दोनों दिया जाता है, परंतु उसके बावजूद भी वो अदिश है। तो उन्हीं लोगों ने एक बढ़िया और रूल निकाल दिया, क्या रूल निकाला, कि सदिश अपने आप में एक ऐसी राशि होती है जिसका दिशा और परिमाण संभव हो, परंतु साथ में जो त्रिभुज के है ना नियम का पालन करे, अदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, त्रिभुज के योग नियम का पालन करे। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि सदिश, अपने को तो मतलब नहीं है ना सदिश अदिश क्या है, तो आपको अधिकतर पता ही, बस अपन तो बेसिक लिखते हैं, आगे चलते हैं, लिख लो सदिश, सदिश राशि ऐसी राशि है जिसका दिशा व परिमाण दोनों संभव है और यह है, ठीक है ना, और यह है त्रिभुज के योग नियम का पालन भी करती है। और ये त्रिभुज के योग नियम का पालन भी करती है। अगले में लिख दीजिएगा अदिश राशि का सिर्फ क्या बताया जा सकता है, परिमाण ही बताया जा सकता है, ठीक है, अदिश राशि का सिर्फ परिमाण ही बताया जा सकता है, ठीक है, लिख लिया हमने अदिश राशि का सिर्फ परिमाण ही बताया जा सकता है। अच्छा, अगले पॉइंट में लिख लीजिएगा, ठीक है, अदिश सॉरी सदिश को, सेकंड पॉइंट लिख दिया, सदिश को सदैव रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स गलती से बोल देते हैं रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक बात, रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक फोटो बना लेते हैं, फोटो क्या है, जैसा मुझे मान लो ए बी वैक्टर लिखना, तो ए हेरा बी हेरा, ठीक है ना, ए की अगर बात करते हैं तो ये ए बी वैक्टर है, राइट है, ए बी वैक्टर, ठीक है, इसमें ये जो ए है ना ये अपने आप में कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट प्रारंभिक बिंदु, ठीक है ना, और ये टर्मिनल पॉइंट कहलाता है, हाँ टर्मिनल पॉइंट अंतिम बिंदु, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना, इसको लिखते हैं हिंदी में अंतिम बिंदु, ठीक है, और इसको लिखते हैं प्रारंभिक बिंदु, माने हर हर सदिश का एक ना एक प्रारंभिक और एक अंतिम बिंदु अवश्य होता है, ठीक है, और इनके मध्य की जो दूरी होती है ना वो मॉड ए बी द्वारा प्रदर्शित करी जाती है, ठीक है ना। तो ए बी वेक्टर का परिमाण अगर किसी को ध्यान हो तो परिमाण, ठीक है, मॉड ए बी द्वारा दर्शाया जाता है, मॉड ए बी वेक्टर द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं यही बात यहां पे ही बोल देता हूं ताकि आगे जाके जिंदगी भर मैं इसमें पछताऊं नहीं, क्या कि ए वेक्टर बराबर में अगर 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है ना, प्लस k कैप दे रखा हो, ठीक है ना, तो परिमाण अगर किसी ने पूछ लिया कि इसका परिमाण माने लंबाई बताएं, ठीक है ना, तो हमारे लिए परिमाण हो जाएगा अंडरूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोले तो अंडरूट 14, ठीक है, माने ए वेक्टर की लंबाई जो होगी वो अंडरूट 14 हो। कई बार क्या होता है ना, बड़ा अजीब लगता है कि बच्चा जो है ना ये भी नहीं जानता और अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, हाँ इसका मतलब भी समझ लेना, ये चीज भी आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने ये लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये भी लिख के दे देता हूं कि हम लोग जिसके बारे में बात करें ना, जैसे आप परिमाण कह रहे हैं वो अपने आप में 2i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस प्लस का k कैप का मॉड है, ठीक है, मॉड का मतलब अंडरूट होता है ना, ये भी सबको पता ही है। अच्छा, अगला पॉइंट ले लेते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सेकंड अगला टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये सब लिखा बढ़िया नाम है, ठीक है, जितना जल्दी हो उतना खत्म हो उतना बढ़िया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अगले लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहली वो डिस्कस कर लूंगा, इसलिए अभी से पहला सीपीएस लगा के रख लेना, है ना, फर्स्ट सीपीएस नेक्स्ट के नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, हाँ सीपीएस 1 वेक्टर्स मैंने दिलवा दिया है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला लिख लेते हैं, सबसे पहला जो जरूरी है वो है नल वेक्टर, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं शून्य सदिश, ठीक है भाई, है ना, हाँ
जिसका परिमाण जीरो हो, परिमाण जीरो हो और दिशा अनिश्चित हो, दिशा अनिश्चित हो, लिख दिया। अच्छा आगे की बात सुने, दिशा अनिश्चित हो लिख लिया, काम की बात। नल वेक्टर के लिए कहानी क्या है, ए ए वेक्टर, ए ए वेक्टर नल वेक्टर है, क्यों, क्योंकि जहां से चालू हुआ ये बंद हो गया, है ना, इसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होते हैं, तो कहने की बात ही नहीं है, ठीक है ना, नल वेक्टर, ठीक है। नल वेक्टर हमारे को कहां मिलता है सर, क्यों फालतू में इसको ढूंढा गया, किसी दिन किसी ने पूछ लिया होगा, ठीक है ना, क्या क्या पूछ लिया होगा कि ए वेक्टर में से सर ए वेक्टर घटाएं तो क्या आएगा, हम तो कहते हैं जीरो आएगा, ठीक है, लेकिन जीरो वेक्टर आया, याद है सबको पता ही है, ठीक है, लिख लेते हैं ये भी, है ना, नल वेक्टर हो गया। अच्छा फिर नल वेक्टर निकालना था तो लोगों को लगा यार नल वेक्टर निकाला है, मैंने शून्य सदिश निकाला, इकाई भी निकालो, ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में फिर दही भी निकाला होगा, ठीक है, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ शून्य सदिश, यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर की अगर चर्चा करें, यूनिट वेक्टर क्या कहता है वो सुना, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश, बस ये यहां के बाद अपन आगे चल देंगे, ठीक है, इकाई सदिश याद है ना, इकाई सदिश, ठीक है ना, इसका परिमाण एक, ठीक है ना, इसका परिमाण एक होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसे एक एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तीसरा, ठीक है ना, एम कैप, एम कैप, एम कैप एम वेक्टर की दिशा को दर्शाता है, जैसे ए कैप किसकी दिशा को दिखाएगा, ए वेक्टर की, तो एम कैप किसकी दिशा को दिखाएगा, एम वेक्टर की, और एबी कैप किसकी दिशा को दिखाएगा, एबी वेक्टर की, तो ये दिशा दिखाने का मतलब है, तो लिख लीजिएगा एम कैप एम वेक्टर की, एम कैप एम वेक्टर की दिशा दर्शाता है। अरे कैप तो लगाना आता है ना, हाँ ठीक है ना, अच्छा हाँ, तो एम कैप एम वेक्टर की दिशा को दर्शाता है, ठीक है ना। अच्छा अब काम की बात और करते हैं, यहां तक ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अच्छा ये भी सबको पता होता है ना कि अगर बाई द वे सपोज मैंने ए कैप बोल दिया तो ए कैप इज इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर अपॉन में कितना मॉड ऑफ ए होगा, राइट है, ये तो सबको पता है। अच्छा ये भी अगर पता है तो दुनिया वाले इसका ये भी इलाज निकाला कि इसका मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू में मॉड ए इनटू में ए कैप होगा, ठीक है। फिर लोगों ने बताया कि इसका मतलब यहां से समझो कि ए वेक्टर क्या है, सदिश है, ए कैप क्या है, ए वेक्टर का मॉड क्या है, परिमाण, ठीक है, और ये क्या चीज है, ए कैप क्या है, दिशा, अभी भी बताया ना, ए कैप किसके काम आता है, दिशा दिखाने के, राइट है। तो कुल मिलाकर अगर देखा था, सदिश अपने आप में परिमाण और दिशा दोनों को रखता है, परिमाण और दिशा दोनों को रखता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सदिश हमेशा परिमाण दिशा दोनों रखता है, ठीक है। बाकी अपन कल चर्चा करते हैं।